क्योंकि कमलेश कुमार गुप्ता के द्वारा जिन्हें 27 को आवेदन देकर केस किया गया कि यहाँ पे 19 को नगर अटारी के ट्रांसपोर्टर राजू कुमार दास के माध्यम से करीब 2,04,065,000 का धान ट्रक से भिजवाए थे कुकू दाना। वो धान अपने निर्धारित स्थान पर ना नहीं पहुंचा तो काफ़ी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चलने पर यह आके थाना पर केस किए। केस होने के बाद जो है इसके उद्भेदन के लिए एसपी सर के द्वारा एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा जांच किया गया तो जो नंबर ट्रांसपोर्टर को उपलब्ध कराया गया था ट्रांसपोर्टर के द्वारा, उस नंबर का मालिक का पता चला सुशील कुमार यादव कोई बालूमत का है। जब इस संबंध में जाकर वहां पे जांच किया गया तो पता चला कि सुशील कुमार यादव कटक जो है 1.5 महीना से उसके घर के पास ही खड़ी है, उससे पहले वो कहीं निकली नहीं। इसके बाद अगरता जाँच से पता चला कि वो धान जो ट्रक लोड हुआ था 19 को, वो ट्रक केरेडारी हजारीबा के रहने वाले अयाज और प्राजा का है, जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने बाद मतलब की संलिप्तता स्वीकार किया, बताया कि वो रेनू कार्ड चाहते हुए ट्रांसपोर्टर राजू कुमार दास से संपर्क किए। ट्रांसपोर्टर राजू कुमार दास के कहने पर कमलेश कुमार गुप्ता ने उसे धान को इसके ट्रक से भेजा गया था और ये अयाज जो है अपने ड्राइवर के साथ मिलकर ट्रक का नंबर बदल दिया था और फर्जी दस्तावेज ट्रांसपोर्टर को दिया था, जिससे ट्रांसपोर्टर भी समझ नहीं पाया कि ये फर्जी है और उस पर धान लोड करके ये लोग भेज दिए। और ये लोग धान को टुप्पू दाना ना भेज कर केराडारी में ही ये लोग करीब 2,50,000 रुपये में धान को भेज दिए। ये सारी बात यह पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं। सर इसका इतिहास पूर्व भी रहा क्या अपराध का? हाँ, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पहले भी इस तरह का काम किए हैं। कोयला इनको ले जाना था डेहरी, परंतु वो डेहरी न ले जाकर बीच रास्ते में ही भेज दिए थे, उसमें भी इसी तरह के मॉडल अप्रेंडी को इनके द्वारा अपनाया गया था। तो क्या क्या बरामद हुआ है? ट्रक बरामद हुआ है, जो ट्रक ये छुपा के रख दिया था, बाद में वो सेना थाना के अंतर्गत से बरामद किया गया है, सेना थाना लोहरदगा से। और जो मोबाइल से भेजा गया था ट्रांसपोर्टर को जाली दस्तावेज, वो भी बरामद किया गया है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कार भी है जो ये इस्तेमाल कर रहा था। वितांस टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।